हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट। दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार और आज आपके सामने लेके आया हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दृष्टिकोण, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और ये एक इंट्रोडक्शन है इसकी, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ आपको अप्रोचेस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी अप्रोचेस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें आपको मैं अप्रोचेस और थ्योरी में भी आपके सामने डिफरेंस बताऊंगा कि अप्रोचेस और थ्योरी में क्या डिफरेंस है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं अप्रोच होती क्या है। दोस्तों, अप्रोच को हिंदी में दृष्टिकोण या उपागम बोला जाता है। अब दृष्टिकोण और थ्योरीज में क्या अंतर है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम आपने देखा होगा जैसे कि मार्क्सिस्ट अप्रोच और मार्क्सिस्ट थ्योरी, सिस्टम अप्रोच और सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग अप्रोच और डिसीजन मेकिंग थ्योरी। लगते दोनों एक जैसे हैं लेकिन इसके बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं तो आप लोग मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं और एक ही लगते हैं। थ्योरी और अप्रोचेस में कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आता होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अप्रोच किसी थ्योरी का पहला चरण होता है। जब भी कोई थ्योरी बनती है वो अप्रोच से ही थ्योरी बनती है। सबसे पहला जो कदम होता है थ्योरी बनने का वो अप्रोच से ही शुरू होता है। अप्रोच ही बाद में थ्योरी बनती है। ये बात आप सबसे पहले इसको क्लियर कर लो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 16वीं शताब्दी में क्या होता है, उदारवाद का जन्म हो जाता है, लिबरलिज्म का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। और उसमें क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया। व्यक्ति जब स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने प्रॉपर्टी को क्या है, इकट्ठा करना शुरू किया। जब प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठी की तो हैव्स और हैव्स नॉट वहाँ पे क्रिएट हो गए, और जिनके पास धन था उन्होंने जिसके पास धन नहीं था उसका शोषण शुरू कर दिया। जब उनका शोषण होने लगा तो समाज में उथल पुथल सी मच गई कि ये शोषण नहीं होना चाहिए, इस शोषण को कैसे हम ख़त्म करें। उस शोषण को ख़त्म करने के लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग रास्ते अपनाए, अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए, अलग अलग अप्रोचेज अपनाई कि आखिर हम इस शोषण को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए एक मानवतावादी अप्रोच आई। मानवतावादी अप्रोच क्या बोलती थी, मानवतावादी अप्रोच बोलती थी कि हर व्यक्ति को क्या है, जीने का अधिकार है, वो भी डिग्निटी के साथ। उसके बाद एक दूसरी अप्रोच आई जिसे समाजवाद बोला जाता है, यूटोपियन सोशलिस्ट भी उनको बोला जाता है, और उन्होंने इस समस्या को ख़त्म करने के लिए अपना एक नया उपागम दिया, अपना एक रास्ता अपनाया या अप्रोच अपनाई। जब उससे भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो उसके बाद मार्क्सिस्ट अप्रोच आई। मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट रास्ता क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, मतलब वहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने की उन्होंने अप्रोच क्या बनाई। उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच दी कि सबसे पहले क्या है, पूंजीपतियों का सफाया होगा, पूंजीपतियों का सफाया होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे श्रमिक राज करेंगे, श्रमिक राज करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे स्टेटलेस सोसाइटी आएगी, स्टेटलेस सोसाइटी आएगी तो शोषण ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये अप्रोच है, ये क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच, क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ अप्रोच दी थी। लेकिन जब लेनिन ने इसको इम्प्लीमेंट किया, लेनिन ने 1917 में इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया और उसमें कुछ संशोधन भी किए, संशोधन करने के बाद जब उन्होंने इसे लागू किया तो ये थ्योरी बन गई, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको लाया ना। अब थ्योरी क्या होती है दोस्तों, थ्योरी से अभिप्राय होता है जो कॉज और इफेक्ट पर आधारित होती है। जैसे ग्रेविटी की थ्योरी है, ग्रेविटी की थ्योरी क्या है, कोई भी चीज़ आप ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो नीचे की ओर आएगी, ठीक है, तो वो थ्योरी है, वो साइंटिफिक है, उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है। वैसे ही मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट थ्योरी कैसे बन गई, मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट थ्योरी इसलिए बनी
जो मार्क्स ने बोला था उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और कहीं ना कहीं नियो मार्क्सिस्ट और मार्क्सिस्ट जो थिंकर थे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर आप इस तरीके से राज्यों को चलाओगे, इस तरीके से आप क्रांति लाओगे, तो हर देश में एक जैसा तरीका रहेगा क्रांति आने का, और सोशलिज्म को हम स्थापित कर सकते हैं। आई होप आपको थ्योरीज और अप्रोचेज में डिफरेंस पता लग गया होगा। अप्रोचेज किसी भी थ्योरी का पहला चरण होता है, धीरे धीरे अप्रोचेज में इवोल्यूशन होता है और थ्योरी का विकास होता है, और थ्योरी होता है लास्ट स्टेज ऑफ अप्रोच। वो लास्ट स्टेज है, थ्योरी से आगे कुछ भी नहीं है। ग्रेविटेशन की थ्योरी आपको मिल गई है, अब उसमें बहुत कम गुंजाइश है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो थ्योरी क्या है, लास्ट स्टेज, और थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है, अप्रोच नहीं की जा सकती है। मेरी अप्रोच कुछ हो सकती है, आपकी अप्रोच कुछ हो सकती है, सामने वाले की कुछ हो सकती है, लेकिन जब अप्रोच थ्योरी बन जाती है तो वो यूनिवर्सल है, उसको सभी को मानना ही पड़ता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरीके से अप्रोच आई और किस तरीके से दृष्टिकोण का विकास हुआ। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि 1919 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अलग से नहीं पढ़ाया जाता था, और 1919 में वेल्स कॉलेज में क्या हुआ था, फर्स्ट चेयर की स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। उस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने की अप्रोच क्या थी, आखिर किस चीज़ की ज़रूरत थी 1919 के टाइम। आप लोगों को पता होगा 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद मैक्सिमम राजनीतिज्ञों में ये चिंता हुई कि आखिर हम कैसे विश्व युद्धों को रोक सकते हैं ताकि भविष्य में विश्व युद्ध ना हो। तो उनका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था युद्धों को रोकना, और उन युद्धों को रोकने के लिए उन्होंने रास्ते बनाने की कोशिश की, अप्रोचेस बनाने की कोशिश की, और उसी रास्ते में सबसे पहली अप्रोच आई, आइडियलिस्टिक अप्रोच। आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या थी, इसने बिल्कुल आदर्शवादी बातें की, आदर्शवादी बातें कि युद्ध जरूरी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इनकी मान्यता क्या थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध जरूरी नहीं है और युद्धों को रोका जा सकता है, ठीक है। और दूसरी इन्होंने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति स्थापित होनी चाहिए। अब जो आप इसमें देखोगे ये चाहिए की बात करता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने चाहिए, जैसे कि वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय अपना जो फॉर्मूला दिया था उसके अंदर एक सूत्र था अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि युद्धों को रोकने का प्रयास करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने संस्थावादी दृष्टिकोण के साथ कानूनी दृष्टिकोण को अपनाया कि ऐसी लीगल बॉडी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, लीगल बॉडी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्फीयर में देशों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। तो ये थी आदर्शवादी अप्रोच। आदर्शवाद के ऑपोजिट थी रियलिज्म की अप्रोच, यथार्थवादी अप्रोच। यथार्थवादी किस पर फोकस करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए जरूरी नहीं है। इनके लिए जरूरी था कि क्या हो रहा है और क्या वास्तविकता है। तो अब मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कौन कौन सी अप्रोचेज है, आप उन सबको पॉइंट आउट नोट आउट जरूर कर लें। और दोस्तों, इन अप्रोचेस को मैं अलग से भी कराऊंगा, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आपके सामने इनको रख रहा हूँ, एक एक करके इनको अलग से भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, मेनली यहाँ पे चार कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है आइडियलिस्टिक अप्रोच। आइडियलिस्टिक अप्रोच के अंदर है लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच या लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। उसके बाद हमारे सामने आती है रियलिस्टिक अप्रोच, जिसे रियलिस्ट अप्रोच बोला जाता है, और पावर अप्रोच एंड नियो रियलिज्म आता है। तीसरी कैटेगरी में हमारे पास है साइंटिफिक अप्रोचेज। साइंटिफिक अप्रोचेज में क्या आ जाती है, आपकी सिस्टम अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच,
bargaining approach and communication approach. और fourth category के अंदर आ जाती है हमारी उग्र सुधारवादी दृष्टिकोण. ठीक है, इसमें सबसे पहले तो मार्क्सवादी अप्रोच, उसके बाद निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी, उसके बाद विश्व विश्लेषण या आप इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस. तो ये है मेनली हमारी चार कैटेगरी अप्रोचेस की. दोस्तों, राजनीति शास्त्र में एक विद्वान हुए हैं जॉर्ज सिम्पसन. ये क्या बोलते हैं कि दृष्टिकोण क्या होता है? ये बोलते हैं एक दृष्टिकोण में वे मापदंड होते हैं जिनको कुछ समस्याओं अथवा आंकड़ों की जांच पड़ताल के लिए प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो दृष्टिकोण मापदंडों का एक समूह होता है जिसके आधार पर एक अध्ययन क्षेत्र में शामिल प्रश्नों और आंकड़ों को अध्ययन के लिए स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है, और इसके आधार पर अध्ययन में शामिल आंकड़ों और प्रश्नों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है. दोस्तों, बर्टन सेपिन ने क्या बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए 27 प्रमुख दृष्टिकोण है. वहीं क्विंसी राइट बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए 23 प्रमुख दृष्टिकोण हमारे सामने हैं. लेकिन जो सर्वमान्य या फिर जिनको हम लेके चलते हैं, जिसके आधार पर मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूंगा, वो है पामर और पार्किसंस ने जितने भी अप्रोचेज है उनको दो श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया है. पहली श्रेणी है परंपरागत दृष्टिकोण, जिसको ट्रेडिशनल अप्रोचेज या क्लासिकल अप्रोचेज भी बोला जाता है, और दूसरी कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की है वैज्ञानिक या साइंटिफिक अप्रोचेज. जो आपकी पहली श्रेणी है उसके अंदर इन्होंने कानून और संगठन दृष्टिकोण अथवा कानूनी और संस्थावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, नव यथार्थवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, निर्भरता दृष्टिकोण आदि को इन्होंने इसमें रखा है. जबकि दूसरी श्रेणी जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की है, उसके अंदर इन्होंने डिसीजन मेकिंग अप्रोच को, कम्युनिकेशन अप्रोच, गेम अप्रोच, बार्गेनिंग अप्रोच इत्यादि को इन्होंने इसमें रखा है. और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का तथ्यों के आधार पर अनुभववादी व्यवहारवादी व्यवस्थित अध्ययन करता है, ये पामर और पार्किसंस बोलते हैं. और दोस्तों, इन सभी अप्रोचेस को मैं एक एक करके अलग अलग से सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे कि सबसे पहले आइडियलिस्टिक अप्रोच आई तो सबसे पहले मैं आइडियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर वीडियो बनाऊंगा. आइडियलिस्टिक अप्रोच 1919 से 1939 तक रहती है. द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण क्या होता है, आइडियलिस्टिक अप्रोच या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, क्योंकि आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या बोल रही थी कि युद्ध कभी होगे ही नहीं, मतलब युद्ध जरूरी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन युद्ध हो जाता है. उसके बाद रियलिस्टिक अप्रोच आती है. रियलिस्टिक अप्रोच एक मतलब अपने आप में क्या थी, कट्टरवादी अप्रोच थी. वो बोलता था युद्ध होके रहेगा और राष्ट्रहित ही सब कुछ है, उसमें किसी भी प्रकार के कोऑपरेशन की संभावना नहीं है. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, कोऑपरेशन की भी वृद्धि होने लगी, क्योंकि जो व्यापार है, एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ, तो बार्गेनिंग थ्योरी भी आ जाती है. ठीक है, 1950 में क्या होता है, बिहेवियरल अप्रोच आती है. बिहेवियरल अप्रोच क्या है, साइंटिफिक बनाना चाहती थी राजनीति को. तो उसके बाद क्या होता है, बिहेवियरल अप्रोच में बहुत सारी अप्रोचेज आगे आती है, जैसे कि सबसे पहले सिस्टम थ्योरी आती है. सिस्टम थ्योरी के बाद आपकी उसमें कम्युनिकेशन थ्योरी जुड़ जाती है और उसमें डिसीजन मेकिंग थ्योरी. तो ये सारी की सारी क्या है, बिहेवियरल अप्रोच की वजह से हमारे सामने आई है. तो इन सबको मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा. और दोस्तों, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, अगर इनके मैं नोट्स बना पाया और जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है उसको भी मैं PDF फॉर्म में नीचे दिए लिंक में आपको इसको भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको समझने में वो आसान रहे. और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि कहाँ मुझ में कुछ कमी है, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आप लोगों को
अच्छी क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।